एबी को ऐसे एट सेंटीमीटर लिख लो ऐसे एट सेंटीमीटर दिस ए बी इज हाउ मच एट सेंटीमीटर देन यू आर गिवन डीसी एंड बी सी बोथ फाइव तो ये डी सी ऐसे करके फाइव सेंटीमीटर इज डीसीदर थिंग बी सी दिस फाइव सेंटीमीटर इज बी सी ऐसे करके शो कर दो दैट दिस बी सी इज ऑल्सो फाइव सेंटीमीटर वट यू नीड टू फाइंड एरिया ऑफ द क्वाड्रीलेटरल सो वट कैन यू सी हियर दैट दिस क्वाड्रीलेटरल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स वन इज ए सी डी एंड अनदर इज ट्राइंगल सीई बी अब ए सी डी क्या है राइट तो जो जो आपको गिवेन है पहले वो लिख लो सोल्यूशन इन क्वाड्रीलेट्रल ए बी सी डी इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी नेक्स्ट लाइन में ए बी इज इक्वल टू एट मीटर देन डी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू फाइव मीटर अब आप ध्यान से देखो आपके पास ए बी कितना दे रखा है एट मीटर तो जितना डीसी है उतना ही ए भी होगा क्योंकि ये जो भी आपने ये कंस्ट्रक्शन दे रखी है या की है उसमें ए ई जो है वो एक स्वेयर शेप का बन रहा है राइट right? तो आप क्या करो यहां पर लिखोगे एंड डी बोथ आर इक्वल एंड दे आर फाइव यूनिट्स जो है वो आपको क्वेश्चन में मीटर में दे रखी है तो आप फिगर में भी ये जो लिखी है इनको मीटर कर दो दिस इज मीटर एट मीटर सो एंड डी सी बोथ था फाइव मीटर मैंने ये पहले फिगर में सेंटीमीटर में कर दी थी आप इसको मीटर कर दो बिकॉज इन द क्वेश्चन दीज आर गिवन इन मीटर नाउ यू विल फाइंड दिस बीई बीई तो बीई किसके इक्वल होगा ए बी में से ए को माइनस कर दो ए बी माइनस ए सो हाउ मच इज ए बी एट माइनस हाउ मच इज इज फाइव एट माइनस फाइव मीटर सो बीई हैज कम आउट टू बी थ्री मीटर तो आप यहां लिख दो बीई इज इक्वल टू थ्री मीटर नाउ यू कैन सी ट्राइंगल सीई बी ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है नाइंटी डिग्री का एंगल सीई बी कितने का बन रहा है नाइंटी डिग्री का तो आप लिखेंगे एप्लाइंग पाइथागोरस थ्यूरम एप्लाइंग आपको बताया राइट एंगल ट्राइंगल पर पाइथागोरस थ्यूरम लगती है एप्लाइंग पाइथागोरस थ्यूरम इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल सीई बी अप्लाइंग पाइथागोरस स्थिर में राइट एंगल ट्राइंगल सीई बी तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन होती है तो आप लिखेंगे बीसी का स्क्वेयर इज इक्वल टू बीई का स्क्वेयर प्लस सीई -E का स्क्वेयर हाउ मच इज बी सी आपके पास 5 है तो आप लिखेंगे फाइव का स्क्वेयर इज इक्वल टू बीई कितना आपके पास अभी अभी फाइंड आउट किया ऊपर आपने थ्री तो थ्री का स्क्वेयर प्लस सीई का स्क्वेयर फाइव का स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री का स्क्र प्लस सीई का स्क्वेयर तो फाइव फाइव इज ट्वेंटी फाइव इट इज इक्वल टू थ्री थ्री जर नाइन प्लस सीई स्क्वेयर सो यू कैन फाइंड सीई स्क्वेयर इट इज ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन सिक्सटीन तो आप लिख सकते हैं सीई e का स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन को फोर का स्क्वेयर लिख सकते हैं पावर सेम है तो बेसिस सीई e क्या बन जाएगा फोर मीटर सो यू हैव गॉट सीई एस फोर मीटर अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी तो ये क्वाड्रीलेटर्स दो फिगर्स का कॉम्बिनेशन है एक इसका ए सी डी का अब ए सी डी आप फाइंड आउट करेंगे कितनी बनेगी दिस इज दिस यू हैव फॉन्ड सीई तो ये ए सी डी स्क्वेर नहीं बना ये बना रेक्टेंगल राइट right? क्यों रेक्टेंगल बना बिकॉज डी सी इज फाइव एज ऑल्सो फाइव बट सीई इज हो मच फोर तो बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट लेंथ भी डिफरेंट है ब्रेथ भी डिफरेंट है तो यह बना रेक्टेंगल तो आप लिखेंगे इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या नाम है रेक्टेंगल का ए सी डी ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी अब आगे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ ब्रेथ तो यहां पर पहले आप फॉर्मूला लिख लो एल इंटू बी प्लस ट्राइंगल का होता है वन बाई टू मल्टीप्लाइड स्मॉल बी मल्टीप्लाइड एच वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट अब ये जो ए सी डी एस में लेंथ कितनी है फाइव तो आप लिख देंगे फाइव इंटू ब्रेथ कितने आपने फाइंड आउट की है फोर प्लस वन बाई टू इंटू ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका हाइपोटेन्यूज यूज फाइव है और ये बीई जो है वो उसका बेस है तो हम हाँ यहां आप बीई लिख देंगे कितना है बीई बीई लिख दो उसको इन टू एच इज हाइट दैट इज सीई so ce now 5 आर ट्वेंटी प्लस वन बाई टू यू कैन फिल द वैल्यू ऑफ BE हेयर बीई आपने ऊपर फाइंड आउट किया थ्री इन टू आपने अभी भी फाइंड आउट किया 4 इस सारी चीज को एक ब्रैकेट में ले लो और बाहर यूनिट मीटर स्क्वायर लिखो बिकॉज यू आर फाइंडिंग एरिया 2 1s are 2 2 twos are 4 so it is 20 plus 3 2s are 6 centimeter square so the answer is 26 meter square 26 meter square all the sides are in centimeter so we need to write the unit of area also as meter square स अगेन क्विक रिकेपचुलेशन दिस फिगर वॉज गिवेन ए बी सी डी ए बी सी डी दिस सीडिकुलर ऑन ए बी पर एंगल सीई बी कितने का होगा नाइनटी डिग्री का जितना डी सी है उतना ही ए होगा अगर डी सी फाइव है तो ए बी कितना होगा फाइव फिर आप ई बी फाइंड आउट करेंगे ए बी में से ए को माइनस करके तो ए बी आपके पास एट मीटर था ए आपके पास फाइव है तो ई बी एट माइनस फाइव कितना आ जाएगा थ्री अब आपके पास बी सी है तो राइट एंगल ट्राइंगल CEB बी के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो आपके पास आ जाएगा CE, राइट right? तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि आपका ए जो है वो फाइव है बट CE कितना आया फोर तो इसका मतलब ए सी डी इज अ रेक्टेंगल So, we have written area of rectangle AECD plus area of triangle CEB. So, formula applied of area of rectangle L into B and formula applied of area of triangle 1 by 2 into base into height. All the values are substituted. The answer is 26 meters square. Hope you have understood the solution of the question. Thank you.